हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री स्टॉक टू वॉच लिस्ट फॉर 19 मई 2020 एंड अंशुल जैन। पहला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एशियन पेंट्स का, जिसमें कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड बनी हुई है और इसने अपना स्विंग लो तोड़ के उसके नीचे क्लोज दिया। तो कल के सेशन में अगर 1495 के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो ये 1465 तक इमिडिएटली जा सकता है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है ओरो फार्मा का। ओरो फार्मा भी एक रेंज फॉर्म कर रहा है जिसका अपर एंड आज रिजेक्ट हुआ है, तो आगे चलते हुए अगर ये 660 के नीचे ट्रेड करने में कामयाब होता है तो स्टॉक में इमिडिएटली फ्री फॉल बनेगी इस स्विंग लो तक, जो कि 610 के आसपास है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है बर्जर पेंट का। बर्जर पेंट में बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इसका आज के सेशन में ब्रेक डाउन हुआ है 440 के नीचे, तो कल के सेशन में अगर 440 के अराउंड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका टारगेट नीचे में 430 के आसपास होगा। अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है डाबर का। डाबर में भी लगभग सिमिलर प्राइस एक्शन रहा है, इसने अपने सपोर्ट्स को तोड़ते हुए उसके नीचे जाके क्लोज किया, तो आगे चलते हुए कोई भी रैली आपको 440 के आसपास मिलती है तो फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 420। अगला स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है HCL टेक का। HCL टेक में भी एक बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना है और कल के सेशन में अगर ये 507 के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें एक डाउनसाइड मूव इनिशिएट होगी जो 495 तक जा सकती है, जो पिछला स्विंग हाई है। अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक नैरो रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कल के सेशन में अगर ये 1988 के नीचे ट्रेड कराने में कामयाब होता है तो ये इमीडिएटली अपना स्विंग लो 1920-1910 के अराउंड उसको टेस्ट करने जाएगा। अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है इंफ्राटेल का। इंफ्राटेल में एक शार्प रैली के बाद से पिछले दो दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और अगर कल के सेशन में ये 209 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसमें अच्छी रैली बन सकती है 230 से 235 के लेवल्स तक के लिए। अगला स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है NIIT टेक का। इसमें भी एक स्मॉल रेंज फॉर्म हो रही है, कल के सेशन में अगर ये 1322 के नीचे ट्रेड करने में कामयाब होता है तो ये इस स्विंग हाई को चैलेंज करेगा जो 1250 के आसपास है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है उज्जीवन का। उज्जीवन एक शार्प सेल ऑफ के बाद लेट सेशन में कंसोलिडेट करता रहा और कल के सेशन में इस कंसोलिडेशन का रेंज का लो 148 टूटता है तो इसमें और फ्रेश डाउनसाइड बनेगी 143 से 138 के लिए। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।